हेलो बच्चों, आदित्य आनंद सर सीरियस जेई मेंटोर न्यूमेरिकल अप्रोच, एग्जॉस्टिव न्यूमेरिकल अप्रोच, मेंट फॉर सीरियस स्टूडेंट्स, मेंट फॉर ब्राइट स्टूडेंट्स। आदित्य आनंद सर, इनसे आपको प्यार हो गया एक बार तो हो जाता है, फिर आपको जिंदगी में दूसरा फिजिक्स टीचर पसंद नहीं आता है, और नहीं हुआ तो फिर धीमे धीमे हो जाएगा, वो ट्राई करेंगे आपको प्यार हो जाएगा। तो अगर आप सीरियस स्टूडेंट हो, आप बहुत जम के तैयारी करना चाहते हो, बेटा आदित्य सर इज मेंट फॉर यू, बहुत ही दिल जान से पढ़ाने वाले और बहुत ही मेहनती टीचर, बच्चों के साथ लग के मेहनत करने वाले बंदे हैं, और बहुत ही ऑनेस्ट, मैं देख लेता हूँ कि टीचर अच्छे होने के साथ ऑनेस्ट होना चाहिए, इज वेरी ऑनेस्ट, प्योर हार्ट। आप इनकी बुराई करोगे, दिल पे उसको समझेंगे, लेंगे दिल पे भी लेंगे, समझेंगे, फिर वापस कम बैक करके तुमको और अच्छा पढ़ाएंगे। तो इनका मैं बता रहा हूँ, इनका प्रॉब्लम ये है कि इनको कितना भी मना करो, ये जेई से नीचे आ नहीं पाते हैं, तो इस बैच के लिए इज द मोस्ट सूटेड गाय। हेलो बच्चा लोग, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों का पढ़ाई बहुत अच्छा चल रहा होगा। फिजिक्स में आप लोगों को सर ने पूरा थियोरेटिकल नॉलेज दे दिया है, और अब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं बेटा प्रॉब्लम सीरीज इन फिजिक्स। आप लोगों को इस सीरीज से क्या फायदा हो सकता है वो मैं बताता हूं। आप लोगों के लिए ये सीरीज जो फिजिक्स में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए जो थोड़ा डर सा होता है बच्चों को, चाहे वो नीट के बच्चे हो, आईआईटी मेंस के बच्चे हो, एलेवेंथ के बच्चे हो, या एडवांस के बच्चे हो, फिजिक्स में जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की बात आती है तो थोड़ा सा अंदर में डर सा लगता है, वो डर मैं निकालने के लिए आया हूँ, और आप लोगों को मैं बताने के लिए आया हूँ कि कैसे फिजिक्स को एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम से बेहतरीन तरीके से सीखा जा सकता है, एंड आप लोगों का फिजिक्स में और भी ज्यादा प्रैक्टिस कराने के लिए आया हूं न्यूमेरिकल के ऊपर बेसिकली। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर फिजिक्स में। मैं हूं आपके सामने आपका आदित्यानंद, और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन बेटा। ठीक है सर, आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पॉज कीजिए, अटेम्प्ट कीजिए, और कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। इससे जो सबसे फास्टेस्ट आंसर आएगा उसको पक्का का पक्का मैं उसका नेम अनाउंस करूंगा, उसे सैल्यूट करूंगा कि यस ये बच्चा को पुराना हर एक चीज याद है, और एफर्ट दीजिए। अगर मैंने बोला पॉज करके कीजिए तो पॉज करके करना बेटा। ठीक है, चलो अब मैं स्टार्ट करता हूं इस क्वेश्चन को। सबसे फास्टेस्ट आंसर बताओ कमेंट में, फिर हमें समझ में आएगा कि तुम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है और आप लोग कर सकते हो, क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने दिया डिस्टेंस ट्रेवल वाला। मैं रीड करके बताता हूं, जो लोग अभी तक नहीं पॉज किए हो उसके लिए मैं एक और पहले क्वेश्चन को रीड करता हूं फिर बताता हूं। बोला पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है बेटा, ओके सर, ये 10 मीटर पर सेकेंड से इधर जा रहा है, बहुत बढ़िया सर, एंड अ कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कॉन्स्टेंट रिटार्डेशन का मतलब पीछे की तरफ लग रहा होगा, तो डायरेक्शन के लिए फोर लिख दिया, क्योंकि इसने कुछ बोला नहीं तो मैंने इधर की तरफ वेलोसिटी ले लिया, तो एक्सेलरेशन पीछे मतलब रिटार्डेशन। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अगर एक दूसरे के अपोजिट है तो बॉडी रिटार्ड करता है, मतलब उसका वेलोसिटी घटता है। यदि मैं इधर वेलोसिटी लेता तो एक्सेलरेशन इधर लेता, राइट ना? वेलोसिटी अगर घट रहा है तो वो रिटार्ड हो रहा होगा, इसलिए ऐसा मैंने लिया डायग्राम में। बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल इन 3rd सेकेंड। अब तो पक्का पॉज करके फास्टेस्ट आंसर निकालो और इन चारों में से उसको टिक करो। अब मत वीडियो अभी देखना, पॉज करके पहले सॉल्व करना, कमेंट में आंसर लिखना। फर्स्ट कमेंट वाले को बिल्कुल मैं सैल्यूट करूंगा, यस ये बच्चा बेहतरीन आंसर किया है, और बाकी नेक्स्ट 5 कमेंट्स को मैं बिल्कुल बढ़िया बोलूंगा। क्यों? क्योंकि तुम लोगों ने भी आंसर निकाला होगा। चलिए आ जाइए, बाकी सब लोग सीखेंगे भी। ओके सर, ये रहा 10 मीटर पर सेकेंड से, ये रहा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। अब क्या करना है सर? अब आपको सबसे पहले प्रॉब्लम को विजुअलाइज करना है। क्या मैंने पूछा 3rd सेकेंड? 3rd सेकेंड का मतलब क्या है जरा समझिए। आप लोगों को पता है कि 3rd सेकेंड मतलब कुछ nth सेकेंड के बारे में सर बोल रहे हैं।
थर्ड सेकेंड मतलब कुछ एनएच सेकेंड के बारे में बोल रहे हैं, तो आपको एक फॉर्मूला पता है SN, क्या पता है SN U plus 2N minus 1 into A by 2, yes, ये फॉर्मूला हमें बिल्कुल पता है। तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए U इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इधर है, इसके डायरेक्शन को प्लस मान लीजिए, प्लस मानना माइनस मानना आपके हाथ में है, तो इधर वाले डायरेक्शन को प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, ओके सर, तो A का वैल्यू हो जाएगा माइनस 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया। और यहां पे n के बदले क्या है, nth सेकेंड मतलब थर्ड सेकेंड, n का वैल्यू क्या है, थर्ड सेकेंड मतलब 3। तो जब आप इसमें रखेंगे तो मजा आ जाएगा जीवन का बेटा, वो क्या आएगा सर, 10 u का वैल्यू प्लस ये 2n माइनस 1, तो 2 इंटू 3 माइनस 1, हाँ सर 2 इंटू 3 माइनस 1, बहुत ही बढ़िया, और इंटू a बाई 2, a का वैल्यू माइनस 4, तो माइनस 4 बाई 2। जरा इसे सॉल्व कीजिए, 10 प्लस 3 2 जा 6 माइनस 1 5, और 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0 मीटर, यस सर हमारा आंसर आ चुका है 0 मीटर। क्या मैं सही बोल रहा हूं, नो, 0 मीटर इज द रॉन्ग आंसर बेटा, थर्ड इज द रॉन्ग आंसर। ये क्या बोल रहे हो सर आप, यस यही तो हमें समझना है बेटा, यही हमें समझना है रियल में, यहां पे क्या है सर, यहां पे SN लगाया, आपने थर्ड सेकंड में पूछा था, हमारा फॉर्मूला ने 0 आंसर निकाला, और बोल रहे हो गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला में SN होता क्या है, SN होता है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, ना कि डिस्टेंस इन nth सेकेंड। अच्छा तो ये डिस्प्लेसमेंट होता है, हां जी बेटा, लेकिन पार्टिकल अगर सीधा सीधा चलता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो बराबर ही होते हैं, ये भी वैसे लाइन गलत है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट नहीं बराबर होता है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट बोथ आर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, अ वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी इक्वल टू अ स्केलर क्वांटिटी। Although सही स्टेटमेंट ये था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस स्ट्रेट लाइन मोशन में, लेकिन यदि मैं ऐसे जाऊं और थोड़ा पीछे मुड़ के यहां पे आ जाऊं, तब बता बेटा क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर है, सर नहीं आया समझ में क्या बोल रहे हो, दोबारा करता हूं मैं। अगर मैं तुमसे इसी में एक क्वेश्चन पूछूं कि बेटा ये बताओ जरा सा कि कोई पार्टिकल अगर यहां से इधर गया और यहां से यहां आ गया, यह है इनिशियल सिचुएशन और यह है फाइनल सिचुएशन, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, नो सर, स्ट्रेट लाइन में ही गया है, स्ट्रेट लाइन में ही गया है सीधा सीधा, ये है उसका डिस्प्लेसमेंट, लेकिन डिस्टेंस तो ये है ना बेटा, हां सर, तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अलग भी हो जाएगा यदि प्रॉब्लम यूटर्न का हो जाएगा। ये क्या क्या बोले जा रहे हो सर, यस यही तो समझना है बच्चों कि क्वेश्चन तुम्हें देखने में वैसा ही मिलेगा, लेकिन इसमें कुछ बेहतरीन फिजिक्स भी ऐड किया जा सकता है। एक छोटा सा क्वेश्चन देखो, वेलोसिटी दिया हुआ, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, मैंने डिस्टेंस पूछा है, लेकिन हमारा दिमाग अब घूम गया है, पॉज करके दोबारा से सॉल्व करो, क्योंकि ये आंसर तो गलत है जो हम में से बहुत सारे लोगों ने किया होगा। अच्छा तो आंसर क्या है सर, बता रहा हूं लेकिन एक बार और अटेम्प्ट दो। चलिए अब इस प्रॉब्लम का रियल फिजिकल एनालिसिस करते हैं, देखो ध्यान से, अब ये क्वेश्चन में क्या हुआ जरा देखो, मैंने पूछा थर्ड सेकेंड में पार्टिकल का डिस्टेंस बताओ, तो ये चीज जानना बहुत ही जरूरी होता है ऐसे प्रॉब्लम में जिसमें डिस्टेंस पूछा जाता है कि पार्टिकल यू टर्न ले रहा है या नहीं ले रहा है, ये चीज जानना बहुत ही आवश्यक होता है कि पार्टिकल यू टर्न ले रहा है या नहीं ले रहा है। ये कैसे पता चलेगा सर पार्टिकल यू टर्न ले रहा है या नहीं ले रहा है, इसके लिए आपको वो टाइम निकालना होगा जब वेलोसिटी जीरो होता है, यानी कि फाइंड द टाइम व्हेन वेलोसिटी बिकम्स जीरो, ये निकालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऐसे क्वेश्चन में जब क्वेश्चन वाला डिस्टेंस पूछता है।
अब आया समझ में सर। तो जरा सा अगर आप लिखो v बराबर u प्लस at और v को जीरो करके देखो कि कितने टाइम के बाद ये है वेलोसिटी इसका जीरो, तो वो आ चुका है बेटा 2.5 सेकेंड, यानी कि इस पार्टिकल का वेलोसिटी 2.5 सेकेंड में ही जीरो हो चुका था। इस पार्टिकल का वेलोसिटी 2.5 सेकेंड में ही जीरो हो चुका था, लेकिन मैंने तो पूछा थर्ड सेकेंड में। थर्ड सेकेंड का मतलब क्या होता है? थर्ड सेकेंड का स्टार्टिंग, थर्ड से पहला सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड। अब फर्स्ट सेकेंड जो तुमने स्टार्ट किया, तुम्हारा क्लॉक स्टार्ट हुआ, जीरो था तभी, लेकिन जीरो से कुछ टाइम गैप होगा तब फर्स्ट हुआ होगा। हाँ सर हुआ होगा, ये टाइम गैप है जीरो से फर्स्ट। फिर फर्स्ट के बाद जब सेकेंड हुआ होगा तो कुछ टाइम, कुछ नैनो से कुछ गैप होता है ना यार, इंटरवल तो होता है। यस सर। फिर सेकेंड के बाद थर्ड स्टार्ट हुआ और थर्ड यहां पे एंड हुआ, तो ये है थर्ड सेकेंड। ये कुछ गैप, कुछ टाइम इंटरवल बोलो, क्या समझ में आ रहा है? यानी कि थर्ड सेकेंड का स्टार्ट होना, थ्री सेकेंड का स्टार्ट होना और थ्री सेकेंड के एंड होना को बोलते हैं थर्ड सेकेंड, या फिर सेकेंड सेकेंड का एंड, राइट, एंड थर्ड सेकेंड का एंड को गैप को बोलते हैं थर्ड सेकेंड। समझ में आ गया ना? फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्या होता है मतलब? यस सर। तो 2.5 सेकेंड में पार्टिकल का वेलोसिटी हो गया जीरो, एंड मैंने यहां पे निकाला था तो ये था डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये क्या था? डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है बेटा कि पार्टिकल 3 सेकेंड में जीरो डिस्प्लेसमेंट पे है। इसका मतलब पार्टिकल जहां से शुरू किया था थर्ड सेकेंड के शुरुआत में, वही थर्ड सेकेंड के एंड पे भी है, तभी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट जीरो है। पार्टिकल जहां थर्ड सेकेंड के शुरुआत में था और 2.5 में रुका, इसका मतलब पक्का पार्टिकल पीछे आके उसी पॉइंट पे आया होगा। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? यस सर। और ये चीज यहां से भी समझ में आ रहा है कि पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हो चुका है 2.5 सेकेंड में, और ये जो कांस्टेंट रिटार्डेशन है ना बेटा, ये तो हमेशा लग रहा है पार्टिकल के ऊपर पीछे की तरफ। यस सर। इसीलिए वो पार्टिकल यहां पे वेलोसिटी जीरो होने के बाद, वेलोसिटी जीरो होने के बाद दोबारा से पीछे जाने लगा, क्योंकि तुमको ऐसा कुछ है ये केस कि तुम इधर जा रहे हो, तुम्हारा शर्ट पकड़ के कोई पीछे खींचे जा रहा है, तो तुम भागे, रुका, और लेकिन वो खींच ही रहा है, तो फिर से वापस आ गए तुम। गेटिंग? यस सर। तो ये सेकेंड सेकेंड पे जिस पॉइंट पे था, टू सेकेंड पे, उसी पॉइंट पे ये थर्ड सेकेंड पे भी है, थ्री सेकेंड के एंड पे भी वही है, तभी टू सेकेंड का एंड हो गया। और ये जो टाइम इंटरवल है, ये यही है थर्ड सेकेंड, थर्ड यानी कि ये हो गया 0.5 सेकेंड। कैसे पता सर आपको? क्योंकि ये 2 सेकेंड था और 2.5 सेकेंड में इसका वेलोसिटी हुआ जीरो, तो ये क्या होगा? 0.5 सेकेंड। इसका मतलब फर्दर ये वाला डिस्टेंस 0.5 सेकेंड में कवर हुआ होगा। यस सर। तो दिस इज कॉल्ड फिजिकल एनालिसिस और फिजिकल विजुअलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम, राइट? तो अच्छे क्वेश्चंस को फिजिकली अगर तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो ना, तब तुम्हें रियल मजा आएगा फिजिक्स का बेटा। और मैं तुम्हें बता दूं, नीट हो या 11th क्लास का बढ़िया सा क्वेश्चन हो, या मेंस हो या एडवांस हो बेटा, या ड्रॉपर के बच्चे हो या फिर कैसा भी बच्चा हो, ये जो प्रॉब्लम सीरीज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर एक बच्चे के लिए, बिकॉज इसमें मैं तुम्हें प्रॉब्लम के अंदर ले जाऊंगा और फिर फिजिक्स को फील करवाऊंगा, क्योंकि बेटा फिजिक्स का जो आत्मा है ना, वो तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में बसती है। तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जो मजा है ना फिजिक्स का, तब तुम एप्लीकेशन में मास्टर बनोगे और इंटरेस्ट तुम्हारा और ज्यादा डेवलप होगा। तो इस सीरीज को बहुत ही सीरियसली लो और क्वेश्चन को करके कमेंट में जरूर लिखो कैसा समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है बेटा। ओके सर। तो आपने अभी तक ये प्रॉब्लम को फिजिकली विजुअलाइज करवा दिया कि पार्टिकल का वेलोसिटी था इधर, रिटार्डेशन था पीछे, धीरे धीरे पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हुआ, लेकिन रिटार्डेशन पीछे था तो दोबारा से पीछे आया, और भी पीछे जाएगा, लेकिन क्योंकि आपको थर्ड सेकेंड से मतलब था,
इसीलिए ने सबसे पहले आपने ये निकाला कि क्या पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो किस टाइम पे हो रहा है, वो 2.5 सेकेंड में हो रहा है, और हमें थर्ड सेकेंड से मतलब है, तो मैंने थोड़ा सा और उसे पीछे लाया। अब हमें समझ में आ गया है सर कि 0.5 सेकेंड में पार्टिकल ने ये किया डिस्टेंस ट्रेवल और ये किया, यानी कि आपको जो फाइनल आंसर चाहिए वो ये आंसर चाहिए, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस। ये तो बेटा समझाने के लिए करता हूं, रियल में तो वो स्ट्रेट लाइन में ऐसे गया होगा और ऐसे ही आया होगा, यानी कि ये और ये निकाल लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। यस बेटा, यही क्वेश्चन था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड। तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है, ये भी कैसे पता चला? इससे पता चल गया तुम्हें ये बताने के चक्कर में, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो 0.5 सेकेंड में आगे गया और 0.5 सेकेंड में पीछे आया होगा, तभी थर्ड सेकेंड में डिस्प्लेसमेंट जीरो है। यस बेटा, तो अब देखो ये निकाल के डबल कर दो या ये निकाल के डबल कर दो, जो आसान है वो करो। ये आसान है क्योंकि इस टाइम पे इसके ऊपर कांस्टेंट रिटार्डेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का लग रहा है, लेकिन यहां पे इसका वेलोसिटी जीरो हुआ और टाइम 0.5 सेकेंड में है, तो ये डिस्टेंस लेट इट बी डी और ये निकाल लेते हैं अपन। हाँ सर, ये निकाल लेते हैं, तो आपका आंसर जो होगा 2d के बराबर होगा। यस, तो इस मोशन में स्टार्ट करते हैं बेटा, हमें ये निकालना है डिस्टेंस, तो लगाते हैं s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, u तो है ही नहीं सर क्योंकि ये जीरो हो चुका है और अब ये पीछे की तरफ लग रहा है, रिटार्डेशन है तो -4 ही ले लो, क्या दिक्कत है, ये तो हो गया जीरो। अब ये हो गया हाफ, ये हो गया -4 और ये हो गया 0.5 इंटू 0.5 क्योंकि 0.5 सेकेंड में निकालना है। यस, ये हो गया 10, ये हो गया 10, 5 2 10, 5 2 10, 2 2 4, आंसर आया -1/2 यानी कि -0.5। ये माइनस ये बताने की कोशिश कर रहा है कि डिस्टेंस इधर कवर हुआ है। देखो फिजिक्स कितना मजेदार सब्जेक्ट है यार, हर एक पॉइंट पे तुम्हें सब कुछ बताएगा। तो ये हो गया कितना, 0.5 मीटर और ये भी 0.5 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो मैंने पढ़ाया है अभी, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन थर्ड सेकेंड इज इक्वल टू 2d इज इक्वल टू 2 × 0.5 इज इक्वल टू 1 मीटर इज द फाइनल आंसर। तो एक्चुअल में आंसर कौन सा था बेटा? सर सेकेंड ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही होना चाहिए था, लेकिन हमने क्या कर दिया था, थर्ड ऑप्शन। क्या समझ में आया बेटा, मजा आया बेटा? तो बताओ, नहीं आया तो बताओ। अगर दिक्कत हुई अभी इस क्वेश्चन में तो प्लीज इसको रिवाइंड करके दोबारा से देखिए, आप लोगों को बिल्कुल समझ में आएगा, एक एक डिस्कस कर दिया है मैंने फिजिक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए पेन कॉपी लेके। यस, चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने एक और क्वेश्चन बेटा, पॉज कीजिए, अच्छे से कीजिए और फिर आंसर दोबारा से कमेंट में शुरू कर दीजिए। इस क्वेश्चन को बेटा कम जेई मेंस में पूछा, एडवांस ने पूछा, नीट ने पूछा, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन नहीं है इंजीनियरिंग और मेडिकल का जिसने इस क्वेश्चन को मोल्ड कर करके नहीं पूछा है। ओके, और एक बार नहीं, बहुत बार पूछा है, तो इसीलिए ये क्वेश्चन मैंने लिया है। मैं इसको बोलता हूं अल्फा बीटा प्रॉब्लम। पॉज करके करो, मेरा वेन भी मत देखो, जल्दी पॉज करके पहले अटेम्प्ट करो, 3 मिनट्स पे करो, उसके बाद दोबारा से आना। ओके, इसको मैं बोलता हूं अल्फा बीटा प्रॉब्लम। ठीक है सर, चलिए समझ में आया। अब इस क्वेश्चन को जब हम रीड करते हैं तो हमें क्या समझ में आया, एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, शुरुआत किया है रेस्ट से, पहला इंफॉर्मेशन हमें मिल चुका है, फ्रॉम अ पॉइंट ए। ठीक है, ए पॉइंट से कोई रेस्ट से स्टार्ट किया है, चलिए, एंड कम्स टू रेस्ट एट अ पॉइंट बी। शुरुआत में इनिशियल कितना था, जीरो, और कोई बी पॉइंट पे, कोई बी पॉइंट पे पार्टिकल क्या हो चुका है, फाइनल वेलोसिटी हो चुका है इसका जीरो। बहुत बढ़िया, ये दो इंफॉर्मेशन दे दिया इसने।
क्वेश्चन रीड करना है और डायग्राम बनाना है जैसे जैसे मैं कर रहा हूं। अप्रोच को अच्छे से सीखना है। यस सर। चलिए फिर बोलता है ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन एट अ डिस्टेंस डी, यानी कि ये डिस्टेंस भी इसने बता दिया कितना डी है सर। अब बोल रहा है इट मूव्स ओवर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस, यानी कि अब ये डिस्टेंस को पार्ट में बोल दिया। तो अपन मान लेते हैं पहला डिस्टेंस कुछ यहां से यहां तक का था और ये d1 था और ये पहला था और यहां से यहां तक का डिस्टेंस मान लेते हैं d2 था। ओके सर, नो प्रॉब्लम, है ना, ये माना है मैंने। ठीक, ये बोल रहा है फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिस्टेंस विद एन एक्सेलरेशन ऑफ अल्फा, ये किससे गया, अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से। अब क्या हुआ, पार्टिकल रुका हुआ है और एक्सेलरेट हुआ, इसका मतलब तुम कार स्टार्ट किए और कार को एक्सेलरेट किए, कार एकदम से भागेगा। बोलो भागेगा या नहीं? यस सर, भागेगा। तो वो वेलोसिटी गेन करेगा और थोड़े समय में वेलोसिटी बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अल्फा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि अल्फा मीटर का दूरी पर सेकेंड स्क्वायर में कवर होता जा रहा है, ये मतलब है ना। यस सर, तो ये वेलोसिटी बढ़ रहा होगा अभी। फिर क्या हुआ, फॉर द रिमेनिंग विद द रिटार्डेशन बीटा, यानी कि पहला कुछ डिस्टेंस तक एक्सेलरेट हुआ एंड देन रिटार्ड किया, मतलब तुमने कार में एक्सेलरेशन डाला, आया और सामने कोई दिख गया तो तुमने एकदम से ब्रेक लगा दी, तो गाड़ी धीरे धीरे कम होने लगा स्पीड। तो बताओ इस पूरे मोशन में पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे मिला होगा, पॉज करके कमेंट करो, पहले जल्दी से पॉज करके कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर जो मैंने बीच में पूछा है। बताओ इस फिजिक्स में पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे था, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ बेटे। चलो आप लोग बता दिए होंगे, मुझे पता है, मैं देखूंगा। सर यहां से यहां तक बॉडी एक्सेलरेट हुआ और फिर ब्रेक लगा, जैसे ही ब्रेक लगा होगा तो इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी पार्टिकल के ऊपर होगा वो वेलोसिटी अब घटना शुरू हो गया होगा सर। तो इस मोशन में पार्टिकल का मैक्सिमम वेलोसिटी इस पॉइंट पे अचीव हुआ होगा जिस टाइम पे ब्रेक लगा होगा, ये वो पॉइंट है जब ब्रेक लगा ही होगा, यानी कि माइनस बीटा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दिया, रिटार्डेशन था बीटा इसीलिए माइनस लगा दिया वेलोसिटी के अपोजिट का फील दिलाने के लिए। यस सर, तो ये पूरा फिजिकल विजुअलाइजेशन है इस प्रॉब्लम का बेटा, राइट। अब हम देखते हैं क्या पूछ रहा है, बोल रहा है फाइंड द टाइम टेकन टू कंप्लीट द जर्नी, यहां से यहां तक आने में टोटल टाइम कितना लगा वो आपको बताना है। यस सर, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, बहुत ही मजेदार बात है। अब ये क्वेश्चन को ना इंटीजर क्वेश्चंस पे भी पूछ सकता है, वो अल्फा बीटा का वैल्यू देके अंतिम में कैसे भी मोल्ड कर सकता है। मैं इस क्वेश्चन को पहले मैथमेटिकल मेथड से बताता हूँ, मेथड वन, फिर मैं तुम्हें इस क्वेश्चन को ग्राफिकल मेथड से भी बताऊंगा जिससे तुम्हारा डेप्थ और बने, और फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे इसको घुमाया जा सकता है और बच्चे कैसे घूमने लगते हैं। बेटा इस क्वेश्चन को अच्छे से अटेम्प्ट करना है, देखो अब मैं सॉल्यूशन देता हूं इसका। ठीक है सर, हमें निकालना है टाइम, चलो यहां पे मैक्सिमम वेलोसिटी है, ओके, तो यहां से यहां तक मान लिया ये वाला टाइम लगा टी वन, ये वाला टाइम लगा टी टू, तो हमें एक्चुअल में टी वन टी टू अगर मिल गया तो मैं टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू करके आंसर निकाल दूंगा, ये हमें करना है। एक और इंफॉर्मेशन हमारे पास है d इज इक्वल टू d1 प्लस t2, क्योंकि हमने मान लिया कि d1 में t1 टाइम में d1 चला, t2 टाइम में d2 चला पीछे वाले डायग्राम से। यस yes. तो मैं इसमें एक बार लगाता हूं यहां पे इस मोशन में और इस मोशन में, इस मोशन में एक बार लगाता हूं v स्क्वायर u स्क्वायर 2as, तो s d1 है तो इसमें एक रिलेशन आ जाएगा vm और d में। यस yes. एक बार लगाता हूं v इज इक्वल टू u प्लस at, दो इक्वेशन लगाता हूं जरा देखेंगे। तो एक बार लगाया मैंने v इज इक्वल टू यू प्लस एटी दोनों में, तो फर्स्ट में जब लगाया तो v का वैल्यू है vm, u का वैल्यू है जीरो, a का वैल्यू है अल्फा, ये t1, तो t1 का वैल्यू क्या आ गया बेटा, vm बाय अल्फा, बहुत मजा आया सर। दूसरे वाले में फिर से लगाता हूं यही, तो दूसरे वाले में जब ये इंप्लीमेंट किया मैंने तो क्या आंसर आया जरा देखो,
दूसरे वाले में इसका इंप्लीमेंटेशन। तो वी का वैल्यू है मैक्स जीरो, वी का वैल्यू क्या है जीरो, देखो कैसे कर रहा हूं, दूसरे वाले में वी का वैल्यू क्या है जीरो है सर। इनिशियल ये हो जाएगा, दूसरा इसे मान लिया, पहला इसे मान लिया, इसे बोला मैंने पहला, इसे क्या बोला मैंने पहला, और इसे क्या बोला मैंने दूसरा। तो दूसरे वाले में ये फाइनल हो गया जीरो वेलोसिटी, इनिशियल मैक्सिमम वेलोसिटी हो जाएगा वीएम और रिटार्डेशन बीटा। तो जब तुम लिखोगे कि फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी वीएम माइनस बीटा टी टू, देखो माइनस क्यों लिखा, रिटार्डेशन है सर। जब इसे इधर किया तो बीटा टी टू हो गया वीएम। तो ये तो हमने निकाल दिया सर, टी टू इज इक्वल टू वीएम बाय बीटा। बहुत मजा आया, मैंने कहा बोला नहीं आया। अब देखना एक मजेदार चीज सिखा देता हूं यहां से। जब इस प्रॉब्लम को तुमने देखा कि टोटल टाइम इसमें टी लगा, टोटल टाइम इसमें टी लगा, मान लो ये टी लगा, तो टी वन प्लस टी टू टी के बराबर है, हाँ, तो t इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू, यस। तो t इज इक्वल टू टी वन का वैल्यू क्या है, वीएम बाय अल्फा, वीएम बाय बीटा, टी वन बाय टी टू, यस सर, वीएम कॉमन, वन बाय अल्फा प्लस वन बाय बीटा। जब इसको सॉल्व करोगे तो वीएम और ये हो जाएगा अल्फा बीटा, और इधर बीटा प्लस अल्फा, टू प्लस थ्री, थ्री प्लस टू बराबर ही होता है ना यार, तो अल्फा प्लस बीटा आप लिख सकते हो सर। तो यहां से बीटा देखो वीएम का वैल्यू निकल गया अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा। बहुत ही मजेदार रिजल्ट है ये, याद रखना है रट्टाफिकेशन। वीएम इज इक्वल टू अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा, Vm is equal to alpha beta t by alpha plus beta, yes sir, ये रिजल्ट मैंने निकाल लिया और इसको नाम दे दिया equation alpha या equation A, इसको नाम दे दिया equation A, छोड़ देते हैं इसे। अब क्या करते हैं बेटा, मुझे t निकालना था राइट ना, d के टर्म में, तो d के बारे में सोचो। तो d के लिए अब लगाओ v square is equal to u square plus 2as, फर्स्ट में और सेकेंड में। फर्स्ट में v फाइनल हो गया vm का स्क्वायर, u का वैल्यू जीरो, ये हो गया 2 अल्फा d1। तो d1 का वैल्यू अगर मैं पूछूं तो क्या बोलोगे, v1 स्क्वायर बाय 2 अल्फा। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है। सेकेंड वाले में जब लगाओगे यही चीज, तो फाइनल वेलोसिटी हो गया जीरो, इनिशियल हो गया vm का स्क्वायर, और ये a एक्सेलरेशन नहीं होके रिटार्डेशन हुआ था सर, तो उसका वैल्यू क्या लिखोगे, माइनस बीटा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है भाई लोग, जल्दी बता दे, और बहन लोग आप भी बता दीजिए, सब लोगों को समझ में आ रहा है, बोलो जल्दी से, यस सर। जरा सा भी दिक्कत है बेटा उस पॉइंट को देखो, डेप्थ बनाना है सब्जेक्ट के ऊपर, इंटरेस्ट जगाना है, और फिजिक्स के बिना तो दुनिया ही नहीं यार, चाहे कैसा भी हो फिजिक्स तो आना ही चाहिए। तो जल्दी से आ जाइए बेटा, ये हो गया 2 और अल्फा का वैल्यू हो गया माइनस, यहीं पे लिख दिया, तो सिर्फ बीटा लिख देता हूं मैं, है ना। और d2, यहां से d2 का वैल्यू अगर निकालोगे ये इधर, तो लिखोगे vm का स्क्वायर बाय 2 बीटा, यस सर। लेकिन अभी तुमने बोला कि d इज इक्वल टू d1 प्लस d2, अरे यार आधा आधा को ऐड करोगे तभी तो होगा, जल्दी बताओ, यस सर, ये d1 और ये d2। तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया सा चीज देने वाला है, अब सर जरा देखिए क्या देने वाला है, जरा देखिए। तो d1 का वैल्यू d इज इक्वल टू vm स्क्वायर बेटा, मैंने ले लिया कॉमन, ये हो गया 1 बाय 2 अल्फा, और यहां पे हो गया बेटा 1 बाय 2 बीटा। बोलो मजा आया या नहीं, यस सर। तो d का वैल्यू हो गया vm का स्क्वायर, ये हो गया बेटा 2 अल्फा बीटा, और यहां से ये आया अल्फा निपट गया तो बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा। अरे बोलो, एलसीएम आता है ना हमें यार, बचपन से यही तो सीखे हैं, यस सर। तो ये हो गया 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा निपट गया बचा b, और 2 बीटा निपट गया बचा a, तो अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, यस। यहां से देखो बेटा, ये है डी के टर्म में, हमने क्या देखा है अभी पीछे, वीएम का वैल्यू मैंने निकाला है अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा। तो यहां पे अब रख देते हैं, यहां पे अब रख देते हैं अल्फा बीटा
टी बाय अल्फा प्लस बीटा, यस अल्फा प्लस बीटा बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा बीटा। देखो ये स्क्वायर वाला टर्म और ये काफी निपट उपट जाएगा, यस निपट रहा है बहुत सारा चीज। इसको लिखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर टी स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा। अब मजा आएगा जीवन का, खुपाच 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 खुपाच। क्या बचा बेटा, अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। क्या बचा बेटा, सर बचा है डी इज इक्वल टू अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। और मजा आ जाएगा जीवन का जब तुम बोलोगे टी इज इक्वल टू अल्फा बीटा, ये टू भी तो है सर। हाँ जी, तो यहां से मजा आएगा टी का वैल्यू टी इज इक्वल टू अल्फा बीटा टी स्क्वायर बाय टू इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है। तो यहां पे बेटा अब मैं टी का वैल्यू लिख देता हूं, टी का वैल्यू लिख दू यहीं पे अगले पेज में। बहुत सारा बच्चा बोल रहा है सर अगले पेज में लिखो, हमें दिक्कत हो रही है। अच्छा सर चलिए कोई बात नहीं है, ये रहा आपका अगला पेज। चलिए इसको मैं लिखता हूं फटाक से इसको, टिक 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 टिक। ये क्या कर रहे हो सर, निपटा दिया आपने? अरे नहीं निपटाया, टेंशन मत ले। अरे नहीं निपटाया, टेंशन मत ले बेटा, एक सेकंड का तू बस समय दे दे। अच्छा निपट रहा है बोल रहे हो, नहीं निपटाया है, नहीं निपटाया, टेंशन मत ले। ये है डी इज इक्वल टू अल्फा बीटा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मजा आ गया जब लिखोगे डी टी का वैल्यू टू इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू डी डिवाइडेड बाय अल्फा इंटू बीटा। ये स्क्वायर है बेटा, स्क्वायर उड़ाओगे तो रूट तो आ ही जाएगा। तो ये आंसर आ चुका है टी का, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू डी डिवाइडेड बाय अल्फा प्लस बीटा। जरा देखो नहीं निपटाया था ना। अच्छा ये कौन सा ऑप्शन है, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू डी बाय अल्फा प्लस बीटा। यस मजा आ गया है हमें पहला आंसर इस क्वेश्चन का। क्या तुम्हें समझ में आया, क्या तुमने इस क्वेश्चन को अच्छे से सीखा? जरा सा एक रिकैप मैं करना पसंद करूंगा। पहले अल्फा से एक्सेलरेट किया, बीटा से डी एक्सेलरेट किया, मैंने बोला मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे हुआ होगा ये थोड़ा बताओ। तो जब एक्सेलरेट हुआ था और जैसे ही ब्रेक लगाया उस इंस्टेंट के बाद वेलोसिटी घटेगी, इसलिए वहीं पे मैक्सिमम हुआ। तो ये मैक्सिमम हो गया वेलोसिटी यहां पे, यस। मैंने मान लिया टी वन और टी टू, डी वन और डी टू, तो डी वन प्लस डी टू डी के बराबर है क्वेश्चन वालों ने बोला, और T1 plus T2 टोटल टाइम के बराबर होगा जो बताया इसने, निकाल के बताओ। मैंने एक बार V plus UT लगाया, V is equal to U plus AT, इसमें इसमें, और एक बार लगाया V square U square 2S, इसमें इसमें, क्योंकि D में भी रिलेशन चाहिए था और T में भी चाहिए था, और उसके बाद दोनों को सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर आ गया था, यस सर। अब इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा इसको डिफरेंट अप्रोच से सिखाता हूं, यह है मैथमेटिकल अप्रोच पूरा का पूरा। अब मैं तुम्हें बताता हूं कि किस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को एक दूसरे मेथड से भी कर सकते हो, ठीक है? तो चलिए आंसर देखते हैं बेटा, दूसरा अप्रोच आ जाइए सर, बहुत सुंदर बात है। फिर इसी क्वेश्चन के लिए मेथड टू है मेरे पास, इसी क्वेश्चन के लिए मेथड टू है मेरे पास। अच्छा सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, चलिए तो मेथड टू मैं आपके सामने रखता हूं इस क्वेश्चन के लिए बेटा, मेथड टू रखता हूं मैं इस क्वेश्चन के लिए। चलिए बहुत बढ़िया बात है, बहुत ही बेहतरीन बात है सर। चलिए तो मेथड टू आपके सामने इसी क्वेश्चन के लिए, ये जो प्रीवियस क्वेश्चन आपको कराया ना इसके लिए मेथड टू, इसी क्वेश्चन के लिए मेथड टू, अल्फा बीटा प्रॉब्लम का मेथड टू रहा आपके सामने, यस। चलिए तो ये रहा आपका मेथड टू, जिसमें कि मैं क्या करने वाला हूं इस प्रॉब्लम में बेटा, जरा ध्यान देना, मैं तुम्हें ग्राफिकल अप्रोच डेवलप करना चाहता हूं कि देखो क्वेश्चंस को और आसान कैसे बनाया जा सकता है जब ग्राफ का इंट्रोडक्शन कर दें। जब ग्राफ की बात क्या कैनेमेटिक्स में करते हैं ना, तो बच्चों का
समझ ही गए होगे तुम लोग भाई, हम निपट गए हैं सर, ऐसे मत निपटाओ हमें। अरे बिल्कुल निपटाने के लिए नहीं, आपको तो मजेदार तरीके से फिजिक्स सिखाने के लिए आए हैं बेटा, और बिना सिखाए हम तो जाएंगे नहीं, सीखना तो पड़ेगा और हम सीखेंगे सर, मस्ती में सीखेंगे फिजिक्स को, राइट? यस सर, जल्दी आ जाइए। जरा देखिए, क्वेश्चन वालों ने आपको बोला कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया, फिर डी एक्सेलरेट किया, यही सब बोला पार्टिकल ने, राइट? तो जब एक्सेलरेट किया तो वेलोसिटी आया होगा, और फिर डी एक्सेलरेट किया तो वेलोसिटी खत्म होके जीरो हुआ होगा। तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी कितना था? जीरो। फाइनल वेलोसिटी कितना था? जीरो, क्योंकि रेस्ट पे शुरुआत में, अंतिम में भी रेस्ट, और शुरुआत में एक्सेलरेट हुआ। तो आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एक्सेलरेशन होता है, राइट ना? तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम बनाएंगे कौन सा ग्राफ? वीटी ग्राफ। कौन सा ग्राफ बनाएंगे बेटा? वीटी ग्राफ बनाओ सर आप। कौन सा? वीटी ग्राफ बनाओ सर। ये रहा हमारा वीटी ग्राफ बेटा। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाया। शुरुआत में पार्टिकल का वेलोसिटी था जीरो, फिर एक्सेलरेट हुआ यूनिफॉर्मली, इसका मतलब इसका स्लोप जो होगा टेन थीटा वो देगा हमें एक्सेलरेशन, यानी कि ये जो लाइन है इसका स्लोप हर एक जगह, देखो थीटा, थीटा कांस्टेंट है तो स्लोप क्या होता है? टेन थीटा वन। इसी को क्या बोलोगे? एक्सेलरेशन अल्फा। बोलो मजा आया नहीं आया? बोलो, ये भी सिखा दिया तुम्हें, यस। फिर बोला एक्सेलरेट किया तो वेलोसिटी बढ़ रहा होगा, इसीलिए कुछ टाइम तक ऐसा हुआ, लेट दिस टाइम इज टी वन, लेट दिस टाइम इज टी वन। बहुत मजा आया। इसके कॉरस्पॉन्डिंग का वेलोसिटी कुछ होगा? नहीं पता। अब जैसे ही वेलोसिटी बढ़ा और तुमने रिटार्ड किया तो वेलोसिटी घटना शुरू हो गया होगा, घटना शुरू हो गया होगा, इसका मतलब वेलोसिटी कुछ और घटेगा। लेकिन इसका स्लोप मैंने जान के अलग किया, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन अलग अलग चीजों को बता रहा है। क्या मतलब? इसका स्लोप और इसका स्लोप सेम नहीं है, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन देता है, और ये नेगेटिव स्लोप लाइन है रिटार्डेशन के चलते, यस। और ये वेलोसिटी को बता रहा है, तो पहले वेलोसिटी बढ़ा और रिटार्ड होने के बाद वेलोसिटी घटा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी कहां पे होगा? जल्दी बता दो मेरे दोस्त। सर इसी पॉइंट पे तो दिख रहा है वेलोसिटी मैक्सिमम, इसीलिए तो तुम्हें बोला भी था पीछे कि पहले वाले सिचुएशन का अंतिम पॉइंट पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगा। समझ में आ रहा है बेटा अच्छे से? यस। फिर रिटार्डेशन में यहां पे लिखोगे, इसका स्लोप निगेटिव है तो लिखोगे माइनस बीटा, और इसको टेन थीटा नहीं लिख के माइनस टेन थीटा टू। तो फाइनली यहां से हमने एक और इंफॉर्मेशन गेन किया, टेन थीटा टू इज इक्वल टू बीटा। इसके पीछे मैं और भी बहुत सारा बात बोल सकता था, स्लोप के ऊपर मैं बिल्कुल 30 मिनट्स तक बोलता रहता हूं, लेकिन वो अभी कंसर्न नहीं है, मुझे न्यूमेरिकल तुम्हें बताना है। थ्योरी आप लोगों ने बहुत अच्छा से सीख के आया है सर से, और जो आपका सीरीज चल रहा है वो प्रॉपर चलता रहेगा। मैं तो ऐसे ही बीच बीच में आपको न्यूमेरिकल लेके आऊंगा बेटा। ओके सर, समझ में आ रहा है कि आपका काम सिर्फ न्यूमेरिकल सीरीज लाना है। यस, गॉट इट। चलिए आ जाइए बेटे, और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चन सब लाएंगे। आज तो मैंने थोड़े छोटे क्वेश्चन रखे हैं, नेक्स्ट क्लास जब भी आएगा तो बढ़िया सा क्वेश्चन रखेंगे प्लेन में बेटा, और भी मजा आने वाला है। यस, तो ये दो इंफॉर्मेशन आपको ने को मिला, तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं ये टाइम टी वन और ये टाइम टी टू। ओके सर, तो यहां पर टोटल टाइम टी वन प्लस टी टू, यस, तो यहां पर लगाओ टेन थीटा वन। टेन थीटा वन इज इक्वल टू अल्फा। टेन थीटा क्या होगा बेटा? पी बाय बी, पी बाय बी। पी कितना है? वी एम। पी कितना है बेटा? वी एम। और बी कितना है बेटा? टी वन। ओके सर, बहुत मजा आया। ये इक्वेशन वन मान लीजिए, इधर क्या करोगे बेटा? टेन थीटा टू सर, टेन थीटा टू इज इक्वल टू बीटा। ओके, बहुत मजा आयो। टेन थीटा पी बाय बी तो होगा वी एम बाय टी वन, वी एम बाय टी टू बेटा, टी वन नहीं। ओके सर, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत मजा आ रहा है।
और अगर इस पूरे टाइम, इस पूरे का जर्नी का टाइम टी है, टी इज इक्वल टू टी वन प्लस टी टू है, मान लेता हूं अभी, मान लेता हूं इक्वेशन है, छोड़ दो, जरा इक्वेशन वन एंड टू को ऐड करके देखो। इक्वेशन वन एंड टू को मैंने ऐड कर दिया है, मैंने क्या कर दिया है, इक्वेशन वन एंड टू को ऐड कर दिया है। अच्छा सर, बहुत ही बढ़िया बात है। यदि मैं इक्वेशन वन एंड टू को ऐड कर दिया, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, ओके सर बहुत ही बढ़िया बात है, ओके सर, ओके सर, ओके सर। तो अगर मैंने ऐड कर दिया, इसको भी जल्दी से निपटा दो, अच्छा इसको भी, अच्छा आ जाओ, एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, एडिंग वन एंड टू, क्या मिला बेटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू वी एम कॉमन वन बाई टी वन प्लस वन बाई टी टू, वी एम कॉमन वन बाय टी वन प्लस वन बाय टी टू, यस। ये क्या हो चुका है बेटा, ये हो चुका है अल्फा प्लस बीटा के बदले। अदरवाइज थोड़ा सा चेंज करके करो यार, थोड़ा सा चेंज करो तो देखो तुरंत से आंसर ही निकाल दिया मैंने, थोड़ा सा चेंज कर दो, T1 को इधर लिख दो, T1 is equal to Vm by alpha, okay, और यहां से T2 is equal to Vm by beta, T2 is equal to Vm by beta, और अब दोनों को ऐड करो तो मजा आ गया है सर। अब जब हमने ऐड किया है इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो Vm कॉमन, यहां पे T1 plus T2, और ये T1 plus T2 T के बराबर है, Vm कॉमन 1 by alpha plus 1 by beta, yes, और Vm का वैल्यू फिर से आ चुका है alpha beta और alpha plus beta, तो ये ऊपर ये हो गया alpha beta T by alpha plus beta। देखो कितना मजा आया, कितना मजा आ चुका है, यही इंफॉर्मेशन तो पीछे भी निकाला था, वही तो बोल रहा हूं ग्राफ को सॉल्व करना भी सिखा रहा हूं, और ये तो मैंने ऐसे ही रख रखा था। अच्छा अब समझ में आ रहा है कि आप क्या करना चाह रहे हो, आप ग्राफ से भी क्वेश्चन को सिखाना चाह रहे हो, यस बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप, आ जाइए जल्दी से यहां। अब देखो एरिया अंडर, एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या होता है बेटा, अगर ये वी डिस्प्लेसमेंट है तो इसका एरिया होता है, अगर ये वी वेलोसिटी है तो इसका एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट, और अगर ये v स्पीड है तो इसका एरिया होता है डिस्टेंस। ये कैसे पता चलेगा स्पीड डिस्टेंस, वैसे मैं ज्ञान के लिए अभी एक लाइन बोलना चाहूंगा, यदि ग्राफ फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, कैसा भी ग्राफ अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होता है। ये बस ज्ञान के लिए बोल रहा हूं बेटा, अभी थ्योरी पढ़ाने नहीं आया मैं, सिर्फ न्यूमेरिकल सीरीज लेके आऊंगा और न्यूमेरिकल के थ्रू ढेर सारा फिजिक्स सिखा के जाऊंगा, ठीक है। तो अब हमें, मुझे पता है कि इस ट्रेंगल का एरिया क्या होगा, एरिया क्या होगा इसका, एरिया क्या होगा, अरे ट्रेंगल है सर, हाफ इंटू बेस, बेस का वैल्यू कितना T1 प्लस T2 यानी कि T, और इंटू हाइट, हाइट कितना Vm, अच्छा, और ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्टेंस देता है, जो कि इस क्वेश्चन वालों ने बोला था, क्वेश्चन वालों ने बोला था कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड विद, डिस्टेंस ट्रेवल इज डी, डिस्टेंस ट्रेवल इज डी, तो टोटल डिस्टेंस पार्टिकल ने जो कवर किया है यहां पे, वो कितना कवर किया है, कितना कवर किया डी, और एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है डिस्टेंस कवर, तो क्या मैं लिख सकता हूं डी इज इक्वल टू एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू दिस, हां सर बिल्कुल लिख सकते हो आप, यहां से ये हो गया 2D, और यहां पे T यहीं पे रखो, और Vm का वैल्यू तो आपने निकाल ही लिया है सर, अल्फा बीटा T बाय अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा T बाय अल्फा बीटा T बाय अल्फा प्लस बीटा, तो ये रहा मजेदार ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू डी बाय अल्फा इंटू बीटा, और T इंटू T T स्क्वायर, T इंटू T T स्क्वायर, और T का वैल्यू हो गया रूट अंडर, क्या यही आंसर मैंने निकाला था, यस सर मजा आ चुका है। यदि समझ में आया तो कमेंट करो बेटा कि ये मेथड तुम्हें अच्छा लगा या इससे प्रीवियस वाला मेथड अच्छा लगा, क्योंकि मेरा मकसद तुम्हें बिल्कुल वर्टिकल स्टडी करवाना है,
तुम जो आज इंटेलेक्चुअल लेवल है तुम्हारा फिजिक्स में, वो पक्का इस क्लास के बाद तुम्हें एक बेहतरीन लेवल पे पहुंचाने का मकसद है, और वो तब सफल होगा यदि हम दोनों मिलके मेहनत कर लें। तो जो भी क्वेश्चन कीजिए उसको प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट शो कीजिए, खुश होके सॉल्व करो। इसीलिए मैं तुम्हारे लिए हर एक क्वेश्चन के आगे बेटा मस्त खुश होने वाला बच्चा लाया, वाह क्या क्वेश्चन मिला है हमें, राइट? तो जब तक खुश नहीं रहोगे ना, काम अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो खुश रह के क्वेश्चन सॉल्व करना है। यस सर। अब एक और चीज देखो इस प्रॉब्लम में बेटा। अगर मैं तुमसे यह पूछता बताओ एवरेज वेलोसिटी कितना है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता? सीधा एरिया है ना, बाय टोटल टाइम। यस, तो एवरेज वेलोसिटी इस क्वेश्चन में अगर मैं पूछूं, एक नया चीज ऐसे ही ज्ञान के लिए बता देता हूं, तो देखो वी एवरेज अगर मैं पूछूं तो लिखोगे डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, बोलो, और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस दोनों बराबर है, तो एरिया हाफ इंटू बेस टोटल टाइम इंटू हाइट वी एम डिवाइडेड बाय टोटल डिस्टेंस हो गया ये, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी। ये निपट गया, खुबाच। यस, ये सीधा आंसर पे कर दिया वी एम बाय टू। बोलो मजा आया या नहीं आया? हाँ सर। और वीएम अभी मैंने सिखाया तुम्हें, अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा। अरे ये क्या बोल रहे हो सर, अरे वीएम सिखाया या नहीं सिखाया? यस, वीएम सिखाया तो था अभी यार, ये तो रहा सर अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा। तो आंसर की प्राप्ति हो गई अल्फा बीटा टी बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। कितना सेकेंड में सॉल्व होगा क्वेश्चन, जिसे याद रहेगा, बोलो होगा या नहीं होगा? यस सर। तो इसमें बहुत सारा चीज है, एवरेज वेलोसिटी अल्फा बीटा टी बाय ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, मैक्सिमम वेलोसिटी पार्टिकल का अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा, और टाइम वाइम सब निकाल सकते हो, ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा इंटू डी बाय अल्फा इंटू बीटा। ये सारे इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट, अगर याद रखोगे तो मजा आएगा। और अभी देखना अगला क्वेश्चन बेटा, ये रहा, पॉज करो और आंसर करो। इस क्वेश्चन का सबसे फास्ट आंसर आना चाहिए, देखते हैं कौन कर रहा है। मैं भी रुका हुआ हूं भाई, फास्टेस्ट आंसर रिक्वायर्ड है इस क्वेश्चन का, जल्दी बताओ। ओके, तो अब मैं सॉल्व करता हूं बेटा। तुम लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने आंसर बता दिया होगा, तो जल्दी से देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। बोल रहा है बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इट अटेन्स द मैक्सिमम वेलोसिटी, देन रिटार्ड टू रेस्ट विद 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैक्सिमम के बाद रिटार्ड किया और रेस्ट पे आया, तो क्या दे दिया? बीटा माइनस 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो बीटा लिख दिया, तो ये भी अल्फा बीटा मिल चुका है तुम्हें। इफ टोटल टाइम टेकन इज 10 सेकेंड, किसका वैल्यू दिया? टी का 10 सेकेंड। अच्छा, फाइंड द मैक्सिमम स्पीड अटेंड बाय द पार्टिकल, सर यही तो अभी बताया था, वी एम इज इक्वल टू अल्फा बीटा टी बाय अल्फा प्लस बीटा। बोलो बेटा मजा आया या नहीं? अल्फा का वैल्यू 2, बीटा का वैल्यू 3, टी का वैल्यू 10। अच्छा, ये यस, अल्फा बीटा 5, 5 टू जा 10, 2 टू जा 4 थी जा 12 मीटर पर सेकेंड। कौन बच्चा सही आंसर किया है जल्दी से बता दो बेटा, किसने सही आंसर कर दिया है? यस सर, ये है बेटा फायदा यदि तुम्हें याद भी रखते हो तो। देखो कैसे क्वेश्चंस अगर याद था किसी को, और देखते ही अगर पकड़ लिया होगा किसी ने, सर ये तो अल्फा बीटा प्रॉब्लम था, हां जी, तो इसको तो हम ऐसे उड़ा के फेंक सकते हैं। यस बेटा, तो मजा आता या नहीं? बिल्कुल आता मजा, राइट? तो इस तरीके से बहुत सारा बढ़िया क्वेश्चन है जो कि बहुत बार आया हुआ है, उसको मोल्ड करके भी पूछा जाता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन का अपन लाइन लगाने वाले हैं सर, और बिल्कुल आएंगे और अच्छे तरीके से, आप लोग बस लगे रहिए। चलिए, और आपके लिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है, ये एक बैलून वाला क्वेश्चन है। मैं सोचता हूं तुम लोग के लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चन भी लाया हुआ हूं, पहले कुछ अच्छे क्वेश्चन करेंगे, तो ये भी तुम होमवर्क करना बाद में, अभी कुछ अच्छा क्वेश्चंस तुम्हारे सामने। ये रहा, पॉज करो और सॉल्व करो इस प्रॉब्लम को, फिर बात करेंगे, ठीक?
चलिए अब मैं बताता हूं, चला देखिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन आपके सामने। अ लार्ज वुडन राफ्ट, राफ्ट कुछ भी नहीं होता है, एक लकड़ी का टुकड़ा है समझ ले, ठीक, इज फ्लोइंग विद अ रिवर स्ट्रीम, रिवर है इधर, अच्छा जल की धारा, यस बेटा जल की धारा तुम्हारे सामने है, इसका कुछ वेलोसिटी होगा, हाँ मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ रिवर वी आर। A man on the raft. अच्छा एक राफ्ट बना दे बेटा, चलिए सर बहुत, एक राफ्ट लकड़ी का कुछ भी टुकड़ा उकड़ा बना दे, ये हो गया राफ्ट, लकड़ी के टुकड़े में लोग अपना जान बचाने के लिए, यहाँ पे एक मैन है बहुत ही सुंदर बढ़िया छोटा सा बच्चा बचा हुआ है पानी के ऊपर, पानी ही पानी बच्चा यहाँ पे राफ्ट के ऊपर है, डाइव्स इनटू द रिवर, वाह इसको मजा आ रहा है, इसे तैरना आ रहा है भाई, एंड स्विम्स डाउन द स्ट्रीम फॉर 15 मिनट्स, ये उछल के कूद चुका है और ये अब स्विम करना शुरू हो चुका है, बच्चा को मजा आ रहा है पानी में तैरने में, बच्चा पानी में तैरने लगा, ठीक कितने तक, 15 मिनट तक चला, एंड देन ही टर्न्स अबाउट एंड कम्स बैक टू द राफ्ट, ओके बच्चा उछल चुका है खुबाच, बच्चा जा रहा है डाउन द स्ट्रीम, इसका क्या मतलब सर, डाउन द स्ट्रीम का क्या मतलब सर, डाउन द स्ट्रीम का मतलब बच्चा का कुछ स्विमिंग वाला वेलोसिटी होगा, वेलोसिटी ऑफ बच्चा बी, और रिवर का भी कुछ वेलोसिटी होगा, यस तो डाउन द स्ट्रीम में जो वेलोसिटी होगा वो वेलोसिटी ऑफ बच्चा प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर, ये दोनों सम हो जाएगा बेटा डाउन द स्ट्रीम में, इसको धक्का है ना, एक्सीलेटर चल रहा है और तुम भी चलने लगते हो ना कभी कभी, तो तुम तेजी से भागते हो, बोलो हाँ है ना, ऐसे ही पानी का कुछ वेलोसिटी और तुम स्विम भी कर रहे हो तो तुम तेजी से भागोगा, डाउन द स्ट्रीम है, अगर अप द स्ट्रीम है तो वेलोसिटी पानी का इधर है, तुम इधर जा रहे हो तो तुम धीरे जा पाओगे, तुम्हें कुछ पानी इधर भी फेंकने लगेगा, अच्छा सर बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक कितने देर तक चले हो, 15 मिनट तक, तो यहां से ये बच्चा 15 मिनट्स तक चला, मान लो ये पॉइंट है, 15 मिनट तक चला, बहुत सुंदर बात है, एक पॉइंट पे गया, फिर ये बच्चा टर्न बैक किया, बच्चा क्या किया, टर्न बैक, अच्छा देन ही टर्न्स अबाउट एंड कम बैक टू द राफ्ट, अब ये राफ्ट क्या यहीं पड़ा रहेगा या कुछ चेंज होगा, ये बताओ, ये तो कूद गया, क्या राफ्ट वहीं रहेगा, नहीं, एक लकड़ी का टुकड़ा पानी के ऊपर है तो देखे हो पानी के ऊपर तैरता रहता है देखे हो, क्योंकि पानी का कुछ वेलोसिटी है ना वाटर का, उस वेलोसिटी से वो चल रहा होगा, अच्छा सर यानी कि राफ्ट भी यहां पे अब ये राफ्ट जो है, अब नया सिचुएशन ये है, यहां पे जल की धारा, अच्छा और यहां पे ये जो राफ्ट है ना आपका, ये राफ्ट जो आपने ऐसे बना दिया है ये भी जा रहा होगा इधर, लेकिन उसका वेलोसिटी क्या होगा, जो रिवर का वेलोसिटी होगा वेलोसिटी ऑफ रिवर, बोलो हाँ है ना, राफ्ट का वेलोसिटी क्या होगा, रिवर का वेलोसिटी होगा, और बंदा का वेलोसिटी अब क्या होगा, वीबी प्लस वीआर होगा, क्योंकि डाउन द स्ट्रीम जा रहा है, यस सर। 15 मिनट तक वो चला, बहुत ही बढ़िया, ये टाइम उसका 15 मिनट्स का था, ठीक है, अब वो इधर आया और राफ्ट को मिला, तो राफ्ट कुछ डिस्टेंस कवर कर लिया होगा, राफ्ट सपोज कर लो यहां पे आ गया राफ्ट, क्यों, क्योंकि इसका भी कुछ वेलोसिटी है, लेकिन ये कम है, ये ज्यादा है, तो ये तेजी से आगे भाग गया और फिर टर्न लेके यहां पे आया, ये यहां पे कहीं मिला इसे, कितने टाइम बाद मिला, मान लो ये टाइम टी सेकेंड के बाद मिला, ये नहीं बताया इसने कि कितने टाइम के बाद मिला, बस बोला है कम्स बैक टू द राफ्ट, राइट, गिवन है क्वेश्चन में The swimming speed of the man, मतलब बच्चा जिसे मैं बोल रहा हूँ, swimming speed of बच्चा जो है वो कितना है, 5 किलोमीटर पर आवर, और river का है कितना, 4 किलोमीटर पर आवर, अच्छा बहुत ही बढ़िया बात है, तो जब ये जा रहा होगा तो स्पीड होगा 5 + 4, मतलब ये 9 किलोमीटर पर आवर से जा रहा होगा, और जब ये आ रहा होगा तो ये अप द स्ट्रीम आ रहा होगा, इसका ये मतलब है, यानी कि 5 से आ रहा है और 4 से पानी फेंक रहा है, तो इसका स्पीड क्या होगा, 1 किलोमीटर पर आवर, देखो ये भी हमने समझ लिया न्यूमेरिकल के थ्रू, है ना, तो ये इंफॉर्मेशन भी मिल रहा है, थियोरिटिकल रिवीजन भी हो रहा है और डेप्थ भी बन रहा है सब्जेक्ट में, यस अब ये मिला यहां पे, ठीक है, बोल रहा है द डिस्टेंस मूव्ड बाय राफ्ट
टिल द मैन कम बैक टू द राफ्ट। ये बताओ कि राफ्ट ने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया जब यह आदमी इसके पास पहुंचा। तो ये वाला डिस्टेंस हमें निकालना है, क्वेश्चन वालों ने ये बोला। ठीक है सर, निकाल देते हैं, क्या दिक्कत है। शुरुआत में तो ये एक ही लाइन पे था, हाँ। बाद में ये यहां पे मिला, हाँ। इसको यहां से यहां तक कितने देर तक गया, 15 मिनट तक। किस स्पीड से, 9 से। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, 9 किलोमीटर वेलोसिटी है और 15 मिनट लगा, तो 9 किलोमीटर इंटू 15, यही करोगे ना, तो क्या लिखोगे, 9 किलोमीटर पर आर इंटू 15 मिनट्स, है ना, 15 मिनट्स हुआ, तो 15/60 कर लो है ना, बोलो हाँ, है ना, यस, आर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये हो चुका है 9/4 किलोमीटर। तो ये डिस्टेंस जो है वो कितना हो चुका है, 9/4 किलोमीटर। अब मान लिया मैंने कि टी टाइम में ये यहां से आया, टी टाइम में ये यहां से आया, और ये यहां से कितने जा रहा है, वीआर से। वीआर क्या है बेटा, 4। तो राफ्ट कितनी देर तक यहां चला, पॉज करके बताओ, यहां से यहां तक राफ्ट कितने टाइम तक चला, बताओ, पॉज करके कमेंट करो, फास्ट कमेंट चाहिए मुझे। राफ्ट कितने टाइम तक चला इससे मिलने से पहले। सर ये टाइम 15 और ये टाइम टी, तो राफ्ट जो चला उसका टाइम क्या होगा, 15+t, बोलो हाँ या ना। किस स्पीड से चला, 4 से, क्योंकि राफ्ट तो रुका हुआ, पानी जिससे चल रहा है उसी से, तो 4 × 15+t, ये हो गया डिस्टेंस, है ना, वेलोसिटी इंटू टाइम, और ये कितना, 1 से आ रहा है, कितने टाइम तक, टी तक। तो ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस क्या इसके बराबर होगा, यस सर, ये डिस्टेंस जो होगा क्या इसके और इसके सम के बराबर होगा, हाँ। ये वाला वेलोसिटी क्या था, 4, टाइम कितना था, 15+t। ये वाला वेलोसिटी कितना है, 1, टाइम कितना था, टी। तो क्या मैं लिख सकता हूं, क्या मैं लिख सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू 15/60 लिख लो, आर में कन्वर्ट कर दो, प्लस टी इज इक्वल टू 9/4 किलोमीटर। बोलो ये इक्वेशन में किसी को भी दिक्कत है क्या, राफ्ट के द्वारा दूरी और आदमी के द्वारा दूरी दोनों का सम ऊपर वाला दूरी के बराबर होगा सर। और ये लाइन लिखते ही आंसर की प्राप्ति हो चुकी है, यस, मजा तो जीवन का आ गया है, क्योंकि वी आर दिया हुआ है 4, तो ये चुका है 4, 15 बन जा, तो हो गया 1/4 + t + t = 9/4, बहुत मजा आया। इसको मल्टीप्लाई करो बेटा, ये हो गया 1, ये हो गया 40, ये हो गया t = 9/4, ये 1 को उधर भेजो बेटा, ये हो गया 5t = 9-4, अरे ये 1 उधर गया ना, तो 9-4/4, ये कितना हो गया, 5/4, बहुत मजा आ रहा है। t का वैल्यू कितना आया, 5/4 × 5, खुबाच 1/4 सेकेंड, 1/4, अरे ये क्या कर रहे हो भैया, आर 1/4 hour का मतलब into 60 कर दो तो मिनट भी आ जाएगा, तो कितना हो गया, 15 मिनट्स। अच्छा तो ये क्या हो गया, ये 15 मिनट बाद दोबारा वापस आया, यानी कि राफ्ट कितना चला, 15+15 30 मिनट्स तक चला, और स्पीड क्या था इसका, 4, तो राफ्ट के द्वारा डिस्टेंस कितना हो जाएगा बेटा, वेलोसिटी ऑफ वी आर इनटू टी, टोटल टी लिख देता हूं कैपिटल, तो वी आर कितना है, 4, और टाइम कितना हो गया, 30 मिनट्स, क्योंकि टी 15 और ये 15, तो 30 यानी कि हाफ, आंसर कितना हो गया, 2 किलोमीटर, यस, किसने निकाला आंसर जल्दी बताओ, 2 किलोमीटर किसका आंसर आया था बेटा, क्या समझ में आया ये क्वेश्चन, देखा कैसे एक बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है ना, तो ये हो गया 2 किलोमीटर तुम्हारा आंसर। अब एक क्वेश्चन तुम्हें मैं देता हूं बेटा, ये क्वेश्चन को पॉज करो और आंसर बताओ, इस क्वेश्चन का आंसर हर एक बच्चा से होना चाहिए, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे हर एक बच्चा का चाहिए बेटा, हर एक बच्चा का आंसर चाहिए, जल्दी से बताओ, फटाफट बताओ, फटाफट पॉज करके फटाफट बताओ। ओके सर, चलिए मैं पढ़ता हूं, अ मोटर बोट गोइंग डाउन स्ट्रीम, ओके ये तो वही हो गया सर, मोटर बोट है, हाँ सर, वेलोसिटी ऑफ बोट
लेकिन रिवर भी है। हाँ सर, तो वेलोसिटी ऑफ रिवर, हाँ, गोइंग डाउन स्ट्रीम ओवर कम अ राफ्ट। अच्छा, बोट इस बार किसी राफ्ट को देख लिया है, बोट इस बार किसी राफ्ट को देख लिया है। अच्छा, सेम लाइन में होगा, बहुत ही बढ़िया। राफ्ट का जो स्पीड होता है वो हमेशा वीआर का होता है, बहुत ही सुंदर बात है। 60 मिनट लेटर इट टर्न्ड बैक एंड आफ्टर सम टाइम, 60 मिनट के बाद ये गया 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 गया, 60 मिनट मतलब वन आवर के बाद ये बैक आया। खुपाच, अब ऐसे नहीं आया, ये यहीं से बैक आया है, तो समझाने के लिए बोलता हूं मैं, ठीक है। एंड पास्ट द ड्राफ्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए, ए से शुरू किया था, ओके, 60 मिनट के बाद ये वापस आया। कितने टाइम तक लगा ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, मान लिया वो टाइम टी है, लेकिन ए से 6 किलोमीटर, ए से 6 किलोमीटर की दूरी पे राफ्ट से मिला, यही तो है ना। हाँ सर, ये तो यही है, फ्रॉम द पॉइंट ए, ए से 6 किलोमीटर दूरी पे मिला। फाइंड द फ्लो वेलोसिटी एज्यूमिंग ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कॉन्स्टेंट, ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कॉन्स्टेंट का मतलब बोट का वेलोसिटी जो है वो क्या है, कॉन्स्टेंट है। क्या तुम्हें पता है ये क्वेश्चन तुम कर पाओगे या नहीं, ये मुझे बताओ, मैं रुकूंगा तुम्हारे लिए, यस या नो करके बताओ, क्या तुम ये क्वेश्चन अब कर पाओगे या नहीं। यदि मैंने तुम्हें ऐसे क्वेश्चन कराए हैं तो कर पाओगे या नहीं। यस, आई होप आप सबका आंसर यस होना चाहिए था। चलिए जल्दी से कीजिए, सर अभी तुरंत मैं कर रहा हूं, बस 1 से 2 मिनट रुको सर। ओके, मैं रुक रहा हूं बेटा, अब पहुंच कर और उसके बाद फिर सॉल्यूशन देखना। ये तो सर अभी तुरंत आपने बताया वैसा ही क्वेश्चन है, एज इट इज वैसा ही है। जल्दी से आप एक इक्वेशन बना लो, बोट 1 आवर तक चला, तो यहां पे आप लिख लो वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू 1 आवर इज इक्वल टू कितना बेटा, ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आया, ठीक, ये डिस्टेंस आपने निकाल लिया सर। अब ये वाला डिस्टेंस जो आ रहा है वो कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर कितने टाइम तक चला, टी टाइम तक, बहुत ही सुंदर बात है। एंड ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6, तो ये इक्वेशन बनाओ, 6 क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ रिवर इनटू ये वाला टाइम 1 आवर और ये वाला टाइम मान लो टी, यानी कि 6 किलोमीटर ये डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस कितना हो चुका है आपके पास, ये वाला डिस्टेंस हो चुका है VB माइनस VR इनटू टी, और ये वाला डिस्टेंस कितना है प्लस 6। क्या ये इक्वेशन लिखने में कितना सेकंड लगेगा बताओ मुझे, और क्या ये इक्वेशन लिखने में कितना सेकंड लगेगा। ये दो इक्वेशन है, हम सॉल्व करेंगे और आंसर की प्राप्ति हो जाएगी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से हो जाएगी। क्या ये तुम कर नहीं पाते, अगर तुम ढंग से सोचते तो, बोलो बेटा कर पाते या नहीं, बोलो बेटा कर पाते या नहीं, तो जल्दी से सॉल्व कर लो इन दोनों इक्वेशन को। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है सर, हम बिल्कुल रेडी हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, जल्दी से आ जाइए इस क्वेश्चन को जल्दी से अपन सॉल्व कर लेते हैं। अच्छा, तो मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ, ये इक्वेशन दो इक्वेशन है, बस दोनों को सॉल्व कीजिए और आंसर की प्राप्ति, यस दोनों को सॉल्व कीजिए और आंसर की प्राप्ति फटाफट कीजिए, समय मत लगाइए, आप लोगों के लिए रुका हुआ हूं मैं। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है, जल्दी से शुरू करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा VB प्लस VR, ये इज इक्वल टू टी का वैल्यू यहां से निकाल लूं क्या यार, टी का वैल्यू निकाल लूं, हां सर निकाल लूं क्या है, 6 बाय VR माइनस 1 है ना, 6 बाय VR, अरे बोलो, -1 इज इक्वल टू टी, क्या यही हो गया, 6 बाय VR माइनस 1 इज इक्वल टू टी, यस रख दो जल्दी से, तो ये हो गया VB माइनस VR इंटू 6 बाय, अच्छा इसको सॉल्व भी कर लो, 6 माइनस VR बाय VR बोलो हाँ है ना, 6 माइनस VR बाय VR प्लस 6। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना कितना आसान हो चुका है, जल्दी से सॉल्व करते हैं। ओके सर, बहुत ही बढ़िया बात है, ये हो गया 6 VR और ये VR भी यहाँ आ गया, तो इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो सर, ये हो गया VB VR प्लस VR का स्क्वायर, अच्छा बहुत बढ़िया, ये हो चुका है 6 VB
ये हो चुका है 6VB और ये हो चुका है माइनस 6VR, 6 से मल्टीप्लाई। फिर देखो बेटा ये माइनस VBVR, अच्छा माइनस VBVR, अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, माइनस VBVR और माइनस माइनस प्लस VR का स्क्वायर, बहुत ही बढ़िया, और प्लस 6VR, और ये VR को उधर ले गया, सबके नीचे रख के फिर इधर कर दिया। अच्छा सर ये हो गया VR का स्क्वायर, VR का स्क्वायर निपट गया है, बोलो बेटा निपटा या नहीं निपटा? यस सर। फिर 6VR और 6VR भी निपट चुका है, बोलो बेटा निपटा या नहीं निपटा? यस सर निपट चुका है। अब क्या बचा बेटा, इसको इधर फेंको, ये हो चुका है ट्वाइस ऑफ VBVR इज इक्वल टू 6VB। हाँ जी सर, VB से VB निपटा, VR का वैल्यू मतलब रिवर का वेलोसिटी 6/2 मतलब 3 किलोमीटर पर आवर, ये आ चुका है तुम्हारा किसका फ्लो वेलोसिटी मतलब रिवर का वेलोसिटी। बोलो क्या रहा आंसर में, क्या थर्ड आंसर सही आ चुका है? यस थर्ड आंसर इस क्वेश्चन का सही आ चुका है। कुछ दिक्कत आई क्या यार बच्चों? कुछ भी दिक्कत था? ये तो मैं मैथ्स कर रहा था अभी से, ये थोड़ी बताने की बात थी। फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो चुका था, फिजिक्स तो यहीं पे खत्म हो चुका है ना बेटा। और देखो कितना मजेदार बात आया था, T का वैल्यू मैंने निकाला था 6/VR-1, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, और ये थर्ड और वन को सॉल्व करने की बात थी बस सर। यस ये क्वेश्चन यूरोडोव का क्वेश्चन है। तुम्हें लगता है कि यूरोडोव बहुत कठिन है, हम लोगों से नहीं हो सकता, ऐसा है वैसा है, लेकिन मैं क्लास हर एक क्लास मैंने एक दो क्वेश्चन तो करा ही देता हूँ यूरोडोव का, जो पढ़ते हैं प्रयास में IIT में मेरे से वो सब जानते हैं, बाकी जगह भी। तो बेटा तुम लोगों को ना फिजिक्स में न्यूमेरिकल के थ्रू मैं बहुत सारा चीज देऊंगा और तुम्हारा लेवल यहां से यहां मैं पहुंचा के रहूंगा, बस आप लोगों एकदम जान लगा के साथ दीजिए और खुश होके पढ़ाई कीजिए, मजे लीजिए जीवन का, मजा आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो दिखने में डिफिकल्ट है, यूरोडोव का नाम सुन के तुम्हें डर लग रहा होगा, इसलिए मैंने पहले नहीं बोला था और तुम्हें मैंने बताया और तुम्हें दिखाया कि देखो क्वेश्चंस दिखने में मुश्किल है। ऑल्दो एक और चीज इसमें है, वेरिएबल 3 है, VR, T, VB और इक्वेशन 2 ही है, फिर भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आधा बच्चा तो बस इक्वेशन बना के ऐसे बैठ जाता है, सर 3 वेरिएबल हैं और 2 इक्वेशन है, सॉल्व कैसे होगा? बेटा पेन तो चला, और वो पेन चलाने का ना हिम्मत आत्मा से तब आएगा जब तुम मेहनत करोगे बेटा, और तुम्हें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसे कराया जाएगा, इसीलिए ये सीरीज लाना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो मैं इस सीरीज के थ्रू तुम्हारा लेवल बिल्कुल अप करूंगा। अब मुझे लगता है शायद समय ज्यादा हो गया है, इसीलिए मैं स्टॉप कर रहा हूं, ऑल्दो मेरे पास बहुत सारे प्रॉब्लम है, लेकिन अब मैं क्या करता हूं, तुम्हारे लिए 5 क्वेश्चन लाया हूं होमवर्क। इन 5 क्वेश्चन को तुम सॉल्व करके मुझे कमेंट करके आंसर करना कि क्या क्या आंसर आया है, और अगर तुम्हें इन सब क्वेश्चन का आंसर चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, तो बताना, तो दूसरे सीरीज लाएंगे फिर बेटा बिल्कुल। तब तक के लिए बाय बाय है हमारा, लेकिन वो 5 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इसी में मैं दूंगा होमवर्क के थ्रू। ठीक है सर, ओके बच्चा लोग, थैंक यू सो मच, तब तक मिलते हैं फिर से, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चा लोग, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।